दिल्ली एनसीआर में लग्जरी कार चोरी करने वाले गैंग के चार शातिर बदमाशों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 6 लग्जरी कार बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपियों पर दिल्ली एनसीआर में कार चोरी के दर्जनों मुकदमे दर्ज और कई तो मुकदमों में वांछित चल रहे हैं। सर, ये गैंग पकड़ा है जो लग्जरी गाड़ी चुराता था और लगभग 450 चोरी करना खुद कबूल रहा है। कौन है इस गैंग का सरगना और कैसे ये चोरी कर ली गई? ये थाना इंद्रापुरम और गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा संयुक्त ऑपरेशन करते हुए 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं और 2 अन्य गाड़ी बरामद हुई है जो कि ये घटनाओं में इस्तेमाल करते थे। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक लॉक जिन गाड़ियों में रहता था उनको ब्रेक करते थे, जिनके पास एक डिवाइस है जिसकी मदद से वो इन लॉक्स को ब्रेक करते थे और उसके बाद ये गाड़ियाँ यहाँ से चुराकर बीच में किसी एक स्थान पर रख देते थे, उसका नंबर प्लेट बदल के पुरानी किसी चोरी की गाड़ी की नंबर प्लेट लगाते थे और उसके कागज़ रखते थे ताकि ये डिटेक्ट ना हो पाए चेकिंग के दौरान, और उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट में ले जाके इन गाड़ियों को बेचते थे। तो अभी इनके पास से कुछ कारें बरामद हुई हैं जिसमें 2 ब्रेजा है, एक टाटा सफारी है, एक लीनिया है और एक स्विफ्ट डिज़ायर है और एक वैगन आर है। इनसे और अभी पूछताछ की जा रही है कि मेन इनका खरीदार कौन था जो कि ये सारी की सारी गाड़ियां खरीदता था। हम इसमें आगे का काम और कर रहे हैं। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की बात आ रही है, वहां से देश की अन्य देशों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं, तो क्या ये विदेशों को गाड़ी बेच देते थे? वहां पे भी कुछ इस बारे में जाँच की जा रही है? नहीं, पूछताछ में अभी ऐसी कोई बात नहीं सामने आई है। बस ये बताया है कि एजावल और अलग उधर के और आसपास के क्षेत्र में जाके गाड़ियां बेचते।